नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिले में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, एकता मार्च निकाल कर लोगों ने किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि सभा का किया आयोजन। नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू, शुक्रवार को होगा खरना। मेयर डिप्टी मेयर ने छठ पूजा को लेकर चंपा नदी घाट का किया निरीक्षण, बेहतर व्यवस्था करने के दिए निर्देश। और गंगा घाट पर कूड़ा कचरा देख स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु हुए नाराज, निगम प्रशासन पर निकाला गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। लौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती को पूरा देश एकता दिवस के रूप में मना रही है। वहीं भागलपुर में पटेल जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कचहरी चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान एकता दिवस को लेकर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ शहर के चिकित्सक, गणमान्य लोग, स्कूली बच्चे, बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के लोग एवं युवाओं ने दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ संपन्न होने के बाद सभी लोगों ने पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलने का शपथ लिया। वहीं पटेल जयंती को लेकर भागलपुर के समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को देश की एकता और अखंडता का शपथ दिलाया। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। वहीं प्रमंडलीय सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमंडलीय कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मियों को देश की एकता और अखंडता का शपथ दिलाया गया। वहीं बांका में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। बांका SP अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गांधी चौक के समीप SP ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नगर भ्रमण करते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचकर दौड़ संपन्न हुई। रन फॉर यूनिटी में SP, DSP, महिला पुलिसकर्मी एवं पुलिस जवान मौजूद थे, जिसके बाद SP ने सभी को देश की एकता एवं अखंडता का शपथ दिलाया। वहीं शिव मनी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने देश की एकता, अखंडता एवं समरसता का संकल्प लेते हुए लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में गुरुवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 35वें शहादत दिवस एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जिला युवा कांग्रेस की ओर से मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर नमन किया एवं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित आनंद ने किया, जबकि मंच का संचालन संजीव कुमार ने किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जय राणा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को अखंड बनाया। वहीं जिला अध्यक्ष अमित आनंद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के मानचित्र पर भारत को मजबूत, ताकतवर देश के रूप में स्थापित किया। इस मौके पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज युवा कांग्रेस द्वारा इंदिरा जी का पुण्यतिथि और
वल्लभ भाई पटेल जी का हम लोग आज उनका जयंती मना रहे हैं। जिस प्रकार से इन दोनों का एक सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हम दोनों महानुभूतियों को नमन करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करने का एक संदेश हम अपने युवाओं के बीच और अपने समाज के बीच देना चाहते हैं। वहीं नगर विधायक आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत नगर विधायक अजीत शर्मा ने दोनों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की। इस दौरान विधायक ने भारत रत्न इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आज बड़ा हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सरदार भाई पटेल साहब का भी आज जयंती है और साथ ही साथ हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो लौह महिला थी उनका भी सहारा दिवस है। इस दोनों कार्यक्रम को हम लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज उनको पुष्पांजलि देते हुए उनको नमन किया और मैंने सभी वर्कर्स को ये कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी जी के विचारों को आगे रखकर जो सबकी सोच थी कि भारतवर्ष को एकजुट रखना है, सभी समुदाय के लोग भारतवासी हैं, सबको लेकर चलना है और यही संदेश समाज को मैं देना चाहता हूँ। नहाए खाए के साथ सूर्य देव की उपासना और लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ गुरुवार से शुरू हो गया। श्रद्धा आस्था शुद्धता और विश्वास के साथ मनाए जाने वाले छठ पर्व को लेकर व्रतियों एवं श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गुरुवार के अहले सुबह व्रतियों एवं श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना के बाद कद्दू भात एवं चना दाल का प्रसाद ग्रहण किया। शुक्रवार को खरना मनाया जाएगा। वहीं शनिवार को अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा जबकि रविवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ महापर्व हो जाएगा। महापर्व के पहले दिन शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। छठ पर्व को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है और सभी जगहों पर छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। यह लोक आस्था का महान पर्व है, इसे छठ पर्व कहा जाता है, कार्तिक मास में से मनाया जाता है। आज कद्दू भात से चार दिन का ये पर्व शुरू हुआ। आज कद्दू भात है, आज कद्दू की सब्जी, चावल, दाल वगैरह बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह बनती है और प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। पहले छठ व्रती खाती है, उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कल खरना है, कल शाम को अर्ध पूजा होगा, खीर बनेगा, किसी के यहाँ रसिया बनेगा, पूड़ी बनेगा, पराठा बनता है, सब अलग अलग ढंग से अपना मनाते हैं। फिर परसों पहला अर्घ है, शाम के समय पहला अर्घ सूर्य को मतलब ये अर्घ डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और फिर चौथे दिन वो सुबह उगते हुए सूर्य को अर्ध के साथ इस पर्व का निस्तार होता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजीशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
छठ महापर्व को लेकर गुरुवार को मेयर सीमा साहा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने नाथनगर के चंपा नदी घाट का निरीक्षण किया। मेयर एवं डिप्टी मेयर ने पहली अर्घ से पूर्व गंगा घाट की साफ सफाई पूरी कर लेने की बात कही। इस दौरान उन्होंने निगम कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर घाट तैयार करने का निर्देश दिया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि चंपा पुल घाट से जवाहर सिनेमा हॉल तक रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था पूजा समिति की ओर से की गई है और नदी में सीढ़ी नुमा घाट बनाया गया है, जिससे व्रती आराम से गंगा नदी में उतर सकेंगी। श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। इसमें सबको यहाँ हर वार्ड में जो व्यवस्था किया जा रहा है हर साल की तरह, इस बार उससे ज़्यादा ही किया जाएगा। और मेरे वार्ड पार्षद भी यहाँ लगे हुए हैं, जो कि तेज तरार पप्पू यादव जी हैं। कभी आप हमको लगता है दुर्गा पूजा से ही लगे हुए हैं इसमें, और कहीं कोई कम बेसी नहीं होगा। हर प्रबंधनी का भी ध्यान रखा जाएगा, इसमें जो भी कम बेसी होगा हम वार्ड पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सब भी हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भागलपुर नगर निगम पूरी तत्परता के साथ सभी घाटों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रहा है। पिछली बार जल स्तर कुछ कम था, इस बार जल स्तर भी बेहतर है। सभी जिन जिन घाट के पास के जो वार्ड पार्षद हैं वो वार्ड पार्षद भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ चार जोन में सभी घाटों को बांटा गया है और चारों जोन में से तीन जोन के हमारे अपर नगर आयुक्त जो हैं वो प्रभारी हैं और एक जोन के सिटी इंचार्ज जो हैं वो प्रभारी हैं। चारों जोन को ही मॉनिटरिंग ये चारों प्रभारी मिलकर कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर हम लोगों ने तीन चार लेयर में हम लोगों ने बांटा ताकि कोई कमी नहीं रहे। नगर आयुक्त महोदया, अपर नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर, हम लोग भी अपने स्तर से सभी जगहों पर क्या कमी बेसी है उसका मुआयना कर रहे हैं। ये चंपा नदी घाट, यहाँ लाखों की भीड़ होती है और यहाँ 12 दिन से घाट की तैयारी हो रहा है, जो बाढ़ दलदली के कारण पूरा कीचड़ था, लेकिन पूजा समिति की देखरेख में और नगर निगम के कुछ सहयोग मिल जाता है। जिस दुर्गा पूजा हो, काली हो, सभी का विसर्जन यहाँ होता है। यहाँ नाथनगर में यहाँ मूर्ति का स्थापना बीचों बीच गंगा में होता है, सूर्य माँ का, और यहाँ लाखों की भीड़ होती है। नाथनगर पूजा समिति यहाँ लाइट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, यहाँ से लेके जवाहर टोकरी तक लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, सारे चीज़ का व्यवस्था करती है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत गुरुवार को नहाय खाय के साथ शुरू हो गई। शहर के कई गंगा घाटों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। गंगा घाट पर दलदली, कीचड़ और कूड़े कचरे के कारण छठ व्रतियों को गंगा स्नान करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा स्नान करने पहुंची महिला श्रद्धालु ने बताया कि नगर निगम की ओर से गंगा घाट पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दलदली घाट होने के कारण लोग फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि छठ पर्व को लेकर निगम प्रशासन के द्वारा अधूरी तैयारी की गई है। वहीं मेयर प्रतिनिधि प्राणिक वाजपेयी ने कहा कि पहले अर्घ से पूर्व घाट को तैयार कर लिया जाएगा। छोटी छोटी जगहों पे इतनी अच्छी सफाई होती है, यहाँ तो गिरने वाला मतलब लगा हुआ है ना, प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो, स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटा जा रहा है यहाँ पर, कम से कम थोड़ी सफाई तो होनी चाहिए थी, आसानी से कर लें। बच्चे आ रहे हैं, गिर रहे हैं लोग, आज कद्दू भात है, स्नान करने के लिए कैसे लोग अर्घ देंगे। और इतना लूट हो रहा है कि गंगा सफाई योजना चल रहा है, स्मार्ट सिटी में घोषित हो रहा है भागलपुर, लेकिन कहीं कुछ नहीं। सफाई के नाम पे तो सिर्फ खरीब ढकोसला है यहाँ। जो आप कह रहे हैं ये सूचना मुझे भी है, जो व्यवस्था होनी चाहिए था, छठ व्रतियों को नहाने का बिल्कुल कीचड़ है, लोग गिर रहे हैं, गिरते हुए भी वो लोग, चूंकि इतनी आस्था है चल रहे, वो नहाने जा रही हैं, जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा कोई सही काम नहीं किया गया। मेरे आग्रह के बावजूद मैंने यह भी आग्रह किया है कि जो छठ व्रती घाट में जाएंगे उनके लिए घाट को दुरुस्त किया जाए, और अभी तक सभी घाट दुरुस्त नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग छठ घाट जो है, जो गंगा घाट के किनारे करना है वो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, इस प्रशासन को मैंने पहले भी लिखा है, सरकार से मैं इसकी शिकायत करूंगा कि ये लोग छठ ऐसे महापर्व आस्था के पर्व में भी संवेदनशील नहीं रहे। जहां तक नगर निगम के ऊपर आपने सवाल पूछा, नगर निगम अपने कार्य के प्रति समर्पित है, जवाबदेही है। वो जो भी घाट का सफाई की व्यवस्था के लिए एक परसों हमारी एक बैठक हुई थी, उस बैठक के माध्यम से हर घाट पर मजदूर को दे दिया गया है और सफाई व्यवस्था परसों जब आस्था के पर्व में लोग डुबकी लगाकर सूर्य को जल चढ़ाएंगे उस समय घाट उनको बहुत अच्छा तरीके से मिलेगा। इतना मैं
आपको आपके माध्यम से शहरवासियों को आश्वस्त करता हूं। आज भागलपुर पर्वती चौक के समीप गुरुवार को IOCL की ओर से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रैली निकालकर की गई, जो पर्वती चौक से निकलकर मारवाड़ी कॉलेज सराय चौक होते हुए पर्वती पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जिले के सभी LPG वितरक PDC किट के साथ मौजूद थे। कंपनी के सहायक प्रबंधक आलोक राज ने बताया कि गैस उपभोक्ताओं को प्री डिलीवरी चेक को लेकर जागरूक करना है, जिससे गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने से पूर्व सील, गैस का वजन और लीकेज की जांच अवश्य करने की बात कही। ये 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक PDC कैंपेन चलाया जा रहा है हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन के द्वारा। इस PDC कैंपेन में पूरे महीने हम लोग कैंपेनिंग करेंगे, जिसमें कि प्री डिलीवरी चेक, यानी कि गैस की डिलीवरी के पहले आपको क्या क्या चेक करना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। यह एक मूलतः जो है यह एक जागरूकता प्रोग्राम है, जिसमें कि दर्शकों को जागरूक, ये ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा। भागलपुर में काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान बुधवार की देर रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल प्रतिमा को आगे पीछे करने के बीच बड़ी खंजरपुर और जबारीपुर के युवक आपस में भिड़ गए। वहीं दोनों पक्षों के युवकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कराया। भागलपुर असानंदपुर स्थित इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान उप प्राचार्य डॉक्टर जीनत प्रवीण ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है। वहीं जयंती को लेकर विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मांडवी झा, अमरीना सिराज, सलमा बेबी सहित विद्यालय की शिक्षिका एवं छात्राएं मौजूद थी। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिले में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, एकता मार्च निकाल कर लोगों ने किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि सभा का किया आयोजन। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू, शुक्रवार को होगा खरना। मेयर डिप्टी मेयर ने छठ पूजा को लेकर चंपा नदी घाट का किया निरीक्षण, बेहतर व्यवस्था करने के दिए निर्देश। और गंगा घाट पर कूड़ा कचरा देख स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु हुए नाराज, निगम प्रशासन पर निकाला गुस्सा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।